हे गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल रायन सर। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं तंदूर पनीर टिक्का घर पे, जो बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही यम्मी होता है खाने में। गाइस यू विल लव इट, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड आप ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अबाउट 250 ग्राम ऑफ पनीर लिया है। वेजिटेबल्स में मैंने सिर्फ अनियन और टोमेटो लिया है, बिकॉज मुझे कैप्सिकम पसंद नहीं है। इफ़ यू विश यू कैन ऐड कैप्सिकम। यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ मैंने कर्ड लिया है, यानी कि दही। अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने 2 स्पून यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और इसके बाद 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, एंड 1/2 स्पून मैंने हल्दी इसमें ऐड की है, 1 स्पून मैंने इसमें आमचूर पाउडर ऐड किया है। सॉल्ट ऐड कर दीजिए आप एज पर टेस्ट, एंड यहाँ थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ऐड की है, और इसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ अजवाइन ऐड किया हुआ है। ये रोस्टेड बेसन है जो मैंने ऑलरेडी रोस्ट करके रखा था, तो यहाँ मैं 2 से 3 चम्मच ऐड करने वाली हूँ। उसके बाद 3 स्पून यहाँ मैंने ऑयल ऐड किया है। उसके बाद हमें इन सब मसालों को दही में अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे सा पेस्ट बनाना है हमें इसे। नॉर्मल आप स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एंड ये बिल्कुल रेडी है। अब नाउ हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस, टमाटो एंड पनीर। गाइस मैंने ऑलरेडी कहा था कैप्सिकम मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। इफ़ यू विश यू कैन ऐड कैप्सिकम ऑल्सो। नाउ गाइस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि ये जो बैटर है ये अच्छे से कोट हो जाए पनीर में, अनियंस में और टमाटर में, बहुत अच्छे से ये कोट हो जाना चाहिए। आप इफ़ यू विश आप फिंगर्स की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, देखिए। नाउ हमें क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये कोट हो गया है, तो हमें इसे मैरिनेट करके रखना है अबाउट 25 to 30 minutes। आप चाहे तो फ्रीज में रख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं बाहर। मैंने फ्रीज में रखा था 30 minutes के लिए, और 30 minutes के बाद ये देखिए अच्छे से ये कोट हो गया है। नाउ गाइस अब आपने होटल में देखा होगा बाहर, जब भी वो बड़ी से स्टिक में हम इसे यूज़ करते हैं, बट घर पे तो अवेलेबल नहीं होती है, तो हमने अल्टरनेटिव यूज़ किया है यहाँ टूथपिक। उसका एक एक सेट हम टूथपिक में बना के लगाएंगे, और हम ऐसे ही उसे तंदूर फ्राई करेंगे। तो घर पे बिकॉज यूजली अवेलेबल नहीं होती, और टूथपिक आसानी से अवेलेबल होती है, तो वी विल यूज़ टूथपिक। और यहाँ ऐसे करके हम पहले अनियन, उसके बाद एक पनीर, और उसके बाद चाहे तो आप कैप्सिकम और टोमेटो ऐसे ऐड करते हैं। पनीर को हमें लास्ट में नहीं रखना है, पनीर को हमें सेंटर में ही रखना है, क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है तो ब्रेक हो जाएगा, इसलिए सपोर्ट देने के लिए हमें उसके आगे और पीछे टोमेटो और कैप्सिकम या फिर अनियन ऐड करना है, और सेंटर में हमें पनीर लगाना है। तो इस तरीके से बिल्कुल देखिए, इस तरीके से बिल्कुल आप एक एक टूथपिक में एक एक सेट बना के रख दीजिए। यहाँ मैंने बिल्कुल सारे बना के रेडी कर दिए हैं, बिल्कुल इस तरीके से। नाउ यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल आपको ग्रीस करनी है। इसके बाद हमने जो एक एक पार्ट बनाया है, इसे हम ऐसे प्लेस कर देंगे, जितना पैन में आ सके आप उतना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 to 8 पीस एक साथ रख दिया है। गाइस ये बहुत ही यम्मी बना था, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। यहाँ ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दिया है, ताकि नीचे चिपके ना। और अब हमें इसे क्या करना है कि हमें चारों साइड से इसे अच्छे से सेकना है, बहुत गोल्डन ब्राउन होते तक सेकना है हमें। देखिए बहुत अच्छे सा कलर आ जाता है इसमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, एक एक दो दो मिनट में आपको ऐसे इसको पलटते रहना है, और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। देखिए अच्छा सा कलर इसमें आ जाता है, बिल्कुल इतने तरीके से ही हमें चारों साइड से भूनना है। और ये जैसे जैसे रेडी होते जाए, आप
चेक करते रहिए और निकाल दीजिए। और ये बन गया हमारा तंदूर पनीर टिक्का घर पे। देखा कितना ज़्यादा आसान होता है और ये बहुत यम्मी लगता है गाइस, ट्रस्ट मी, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, यू विल लव इट। एंड ऐसे करके आप सारा बना लीजिए एंड यू कैन सर्व इट। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन गया है और बहुत यम्मी लगता है। ग्रीन चटनी आप बना सकते हैं, नॉर्मल जो ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर और जिंजर यूज़ करके हम पेस्ट बनाते हैं नॉर्मल वैसा ही। एंड यह इट इज़। तो देखा आपने कितना आसान है, कितना अच्छा है। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।